Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nareen and today we are going to learn that how we can use vernier caliper. So let's start. You can see that this is a vernier caliper and there are the two scales on this vernier caliper. एक तो इसका ये main scale है जो आपको नजर आ रहा है, this is the main scale of the vernier caliper. और उसके ऊपर ये जो छोटा स्केल है, दिस इज़ द वर्नियर स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. तो हमने वर्नियर कैलिपर के जो वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर टोटल 10 डिविजन्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9. तो ये दो चीज़ें हमारे लिए अहम है. एक हमने इसकी मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है और दूसरा हमने लेना होता है इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग. इन दो रीडिंग्स की मदद से हम वर्नियर कैलिपर में किसी भी चीज़ का डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सिलेंडर का, और हम उसका डायमीटर से फिर हम उसका रेडियस निकालेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एनी सिलेंडर थ्रू वर्नियर कैलिपर. तो हम किसी सिलेंडर की लेंथ और उसका डायमीटर जो है, एक्सटर्नल डायमीटर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम ये इसके लोअर जार्ज इस्तेमाल करते हैं. ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लोअर जार्ज ऑफ द वर्नियर कैलिपर. तो ये दोनों इसके लोअर जार्ज हैं, इनर जार्ज भी कहते हैं इनको. और ये जो दो इसके अपर जार्ज हैं या जिनको हम आउटर जार्ज भी कहते हैं, इनके ज़रिए से हम किसी भी ट्यूब का या सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर हमें उसका इंटरनल डायमीटर नहीं चाहिए, हमें एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए. तो फिर हम उसके लोअर जार्ज या इनर जार्ज का जो है वो इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास कोई भी सिलेंडर होगा, हम वो सिलेंडर जो है, ये हमारे पास जो एक सिलेंडर है, हम इसको इसके अंदर, इसके लोअर जार्ज के अंदर पुट करेंगे. अगर हम इसको इस तरीके से इसके लोअर जार्ज के अंदर लेंथ वाइज अब हम रख रहे हैं इस वक्त अपना सिलेंडर, जब लेंथ वाइज हम रखेंगे तो फिर हम लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हमें इस डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर चाहिए तो फिर हम इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरह से. ये स्क्रू को घुमा के हम इसको फिट करेंगे उसके इनर जार्ज में. तो हम ये इनर जार्ज में इस तरह से हम उसका डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम उसको इस तरह से प्लेस करेंगे अपने सिलेंडर को. ठीक है, तो सिलेंडर का डायमीटर के लिए हम उसे इस तरह से प्लेस करें और जब लेंथ निकालनी है तो फिर आपको उसने आपने उसको लेंथ वाइज जो है वो प्लेस करना है. तो अगर हम अब हमने इसको डायमीटर वाइज रखा हुआ है तो फिर हम इसका देखते हैं कि इसका डायमीटर क्या है. डायमीटर देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो रीडिंग्स आपने देखनी है, एक उसकी मेन स्केल रीडिंग और दूसरी उसकी वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग में इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है वो है 1.1, 2, 3 and 4. 1.3 और 1.4 के बीच में, ये जो वर्नियर स्केल का की पहली रीडिंग है, ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का, ये जिसके साथ मैच कर रहा होता है हमारे पास, वो उसकी मेन स्केल रीडिंग आती है. तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आपकी 1.3 और 1.4 के बीच में, तो हम इसको कह लेंगे दिस इज़ 1.35. ठीक है, तो ये इस वक्त मेन स्केल रीडिंग जो है ये 1.35 जो है ये यहाँ पे पड़ी जाएगी. और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है कि ये जो अब इसकी 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, इनमें से कौन सी रीडिंग एग्जैक्ट ऊपर वाली रीडिंग के साथ मैच कर रही है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं. यानी यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है, ये तो पहले ज़ीरो वाली है, वन वाली मैच भी नहीं कर रही, टू वाली भी नहीं कर रही, थ्री वाली भी नहीं कर रही, फोर, फाइव वाली मैच कर रही और सिक्स वाली भी मैच कर रही है, बल्कि सेवन वाली भी कर रही है. तो फाइव, सिक्स और सेवन, इनमें से जो आपको सबसे अच्छी मैच लग रही है वो कौन सी वाली लग रही है, सेवन वाली. तो सेवन वाली चूंकि इधर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी मैच कर रही है, तो हम इसकी सेवन्थ रीडिंग जो है एज अ वर्नियर स्केल रीडिंग हम लिख सकते हैं. तो अब लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन. हमने दोनों रीडिंग्स जो हैं वो देख ली, हमने इसकी मेन स्केल रीडिंग भी पहले पढ़ी है, जहाँ पर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ, वो उसकी मेन स्केल रीडिंग होती है. और फिर वर्नियर स्केल में से कौन सी भी रीडिंग, जीरो से लेकर नाइन्थ तक आपके पास रीडिंग्स है ना, तो कौन सी रीडिंग ऊपर एग्जैक्ट मैच करती है, वो हमारे पास उसकी वर्नियर स्केल रीडिंग आती है. तो हमारे पास चूंकि फाइव, सिक्स और सेवन तीनों ऊपर मैच कर रही थी, हमने उनमें से जो ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप फाइव वाली भी लिख सकते हैं, सिक्स वाली भी और सेवन वाली भी, तो जो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट ऊपर मैच करते हुए नजर आती है, हम उसको लिख लेंगे. और अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. बस हमने इतना सा काम करना होता है, जब हमने किसी भी चीज़ की का भी हमने डायमीटर निकाले थे, हमने अपने जो सिलेंडर है उसको डायमीटर वाइज रखा था, तो ये रीडिंग्स हम डायमीटर के लिए निकाल रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. नो टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर थ्रू वर्नियर कैलिपर, ये हमने उसकी कैलकुलेशंस जो है वो लिखी हैं. मेन स्केल रीडिंग जो है वो 1.35 सेंटीमीटर हमने उसकी कैलकुलेट की थी. वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 7 आई थी हमारी. मैंने आपको कहा था 5, 6, 7 में से आप कोई सी भी जो अच्छी मैच हो रही थी, हमने उसको 7 कंसीडर किया है. सेंटीमीटर स्केल में हम कंसीडर कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर की जो कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर स्केल में है, क्योंकि इससे जो बड़ा मीटर स्केल है वो इस्तेमाल होता है
हमारे मीटर रॉड के लिए, जब हमने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी होती है मीटर रॉड से, तो वहाँ पर फिर मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं। उससे जो छोटी चीज़ें हैं उनको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो 1.35 सेंटीमीटर में आएगी। वर्नियर स्केल रीडिंग 7 जो है वो एक नंबर है, क्योंकि वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल मैंने आपको कहा था 10 डिवीजन है, 0 से लेकर 9 तक, तो उसमें वो एक नंबर है, वहाँ उसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो 7th रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रही थी मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ, तो वो हमने कंसीडर की है। फिर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ये सिर्फ वर्नियर कैलिपर का नहीं होता, हर इंस्ट्रूमेंट जो है उसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो मिनिमम डिवीजन विच यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो वो कम से कम डिवीजन जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कम से कम डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर काउंट कर सकता है वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास जितनी भी रिक्वायर्ड रीडिंग्स थी, वैल्यूज़ थी, वो हमने लिख ली हैं। डायमीटर निकालने के लिए अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट बना के वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर जो एक्स है हमारा वो डायमीटर है, ये एक्स जब हम लेंथ वाइज रखेंगे अपने सिलेंडर को तो वहाँ पर वो एक्स जो है वो लेंथ कैलकुलेट करके देगा हमें। सो यहाँ पर हम चूंकि डायमीटर निकालें तो एक्स इज आवर डायमीटर डी। मेन स्केल रीडिंग आपने अभी ऊपर लिखी है 1.35, उसके साथ प्लस और ब्रैकेट में वर्नियर स्केल रीडिंग हमने 7 ली है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो अभी आपने मैंने कहा कि कम से कम डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर काउंट करता है वो आपकी 0.01 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायमीटर जो है वो आ जाएगा 1.42 सेंटीमीटर। अब जो मैंने एक दफ़ा डायमीटर कैलकुलेट किया, आप इसी तरह सिलेंडर को बार बार कभी उसकी पोजीशन चेंज करके थोड़ी सी उसको ऊपर करके रख सकते हैं फिर नीचे करके, लेकिन रखना आपने उसको डायमीटर वाइज ही है। रखना ये नहीं हो सकता कि आप उसे लेंथ वाइज रखें तो उससे डायमीटर निकालें। तो आपने जब उसको डायमीटर कैलकुलेट करना है तो आपने उसको डायमीटर वाइज रखना है और फिर आप ये कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी, और फिर एंड पे आप उसका मीन या एवरेज निकाल सकते हैं तीनों वैल्यूज़ का। मीन या एवरेज निकालने का तरीका होता है कि आप एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू जो भी आएगी आपकी, आप उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास मीन डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये, और ये भी हो सकता है कि आप उसको रखें सिलेंडर को तो तीनों दफ़ा एक जैसी ही रीडिंग आ रही हो तो भी कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको वही रीडिंग भी रख सकते हैं। तो आपका मेन जो है वो वही आएगा जो आपका एक दफ़ा दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा एक ही रीडिंग अगर बार बार आ रही तो वही मेन और एवरेज रीडिंग जो है वो आपकी होगी। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये तो हमारी है ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो हमने वर्नियर कैलिपर से निकाली है, अब करेक्शन कैसे होती है, करेक्टेड रीडिंग का क्या मतलब है? करेक्शन तब आती है जब हम उसके अंदर कोई ना कोई हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो। जीरो एरर का मतलब है कि अगर हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी जीरो एरर कैसे आता है। ये देखें, अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में इस तरह से है कि हमारा जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो जीरो ऑफ द मेन स्केल के साथ मैच नहीं कर रहा, जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे है मेन स्केल के जीरो के साथ, तो फिर वहाँ पर जीरो एरर आता है। लेकिन हम यूजुअली जो है जीरो एरर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अगर आप जीरो एरर कंसीडर करेंगे तो फिर आपको जीरो करेक्शन भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका जीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे जा रहा है, सो दिस इज द पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर के भी दो टाइप्स होती है ना, अगर ये लाइन थोड़ी सी पीछे रह रही होती, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल थोड़ा सा पीछे जा रहा होता जीरो ऑफ द मेन स्केल से, तो वो नेगेटिव जीरो एरर होता। तो जीरो एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो हमने अव्वल तो जीरो एरर कंसीडर नहीं करना अपनी कैलकुलेशन में, जो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग होगी वही हमारी करेक्टेड रीडिंग या आफ्टर करेक्शन भी हमारी वही रीडिंग हमने लिखनी है, क्योंकि अगर हम जीरो एरर में जाएंगे तो जीरो करेक्शन करनी पड़ेगी। अगर जैसे अब हमें लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा आगे है तो पॉजिटिव जीरो एरर में जितने पॉइंट्स वो आगे होता है उतना आपने अपने आंसर में से माइनस करना होता है, और अगर ये नेगेटिव जीरो एरर होगा तो वो वैल्यू जितने पॉइंट्स वो पीछे जा रहा है उतना हमने अपने आंसर में ऐड करना होता है टू गेट द करेक्टेड रीडिंग। सो ये मतलब अगर आपसे वाइवा क्वेश्चंस में वो पूछता है कि व्हाट इज जीरो एरर, तो जीरो एरर जो है वो तब आता है कि व्हेन द जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के साथ मेन स्केल का जीरो अगर कंसाइड नहीं कर रहा, उससे आगे जा रहा है या उससे पीछे रह रहा है, सो दो तरह के जीरो एरर हो सकते हैं, पॉजिटिव एरर, आगे जा रहा है तो पॉजिटिव एरर, पीछे आ रहा है तो नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर है सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द दैट वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने निकाली है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो यू हैव टू ऐड दैट वैल्यू इनटू योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की हुई है। तो दो तरह के ये जीरो एरर हैं, तो ये हम इसमें नहीं जाएंगे, हम ज़्यादातर जीरो एरर को इसीलिए हम निल कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें जीरो करेक्शन भी ना करनी पड़े और जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वही हमारी करेक्टेड वैल्यू हो। ठीक है, तो ये तो था फॉर द डायमीटर। अब अगर हम इससे लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर को अगेन हम खोलेंगे और जो अपना सिलेंडर है
अब उसको हम लेंथवाइज रखेंगे। इसको और ओपन करते हैं और अपने सिलेंडर को हम फिट करने की कोशिश करेंगे इसमें लेंथवाइज। सो ये इस तरीके से आप अपना सिलेंडर जो है वो इसके बीच में फिट करेंगे, इसके इनर जार्स में, और इस तरह से फिट कर लेंगे। अब ये लेंथ वाइज आपने इसको रखा है ताकि हम लेंथ ऑफ द दिस सिलेंडर जो है वो कैलकुलेट कर सकें। लेंथ कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है, डायमीटर से तो हम रेडियस निकालेंगे और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द सिलेंडर को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने निकाला होगा डायमीटर के जरिए, तो वो लेंथ को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे कि लेंथ के साथ इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या आती है और इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आती है। ये देखिए मेन स्केल रीडिंग इस वक्त अब ये क्या पड़ा है, अब ये 2 से भी आगे चल गया क्योंकि ये 3 से पीछे आ रही है। तो दिस इज़ ये जो लंबी एक लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ 2.5, उसके आगे 2.6, 2.7 एंड 2.8। ये इस वक्त जो इसकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.8, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो वाली रीडिंग होती है जो ऊपर एग्जैक्ट मैच कर रही है। आप देखें 1 वाली भी नहीं इतनी कर रही, 2 वाली कर रही है, 3 वाली, 4 वाली, 2, 3 एंड 4, इनमें से आप कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। 2 वाली, हाँ ये वाली 2 वाली ज़्यादा एग्जैक्ट कर रही है, 3 वाली भी कर रही है और 4 वाली भी कर रही है। तो आप 2, 3 और 4 में से कोई भी इसकी एज अ वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने उसकी जो मेन स्केल रीडिंग जो है वो निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 2.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो हमने कहा था 2, 3 और 4 में से कोई भी हम ले सकते हैं। हमने 2 कंसीडर की है जो एग्जैक्ट मैच कर रही थी वर्नियर स्केल रीडिंग विद द मेन स्केल रीडिंग, तो हमने 2 वाली कंसीडर की। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.01 सेंटीमीटर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की है। तो अब जो हम फार्मूला वही फार्मूला लगेगा जो पहले लगाया था, x इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट बना के वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर x जो है वो हमें लेंथ ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करके देगा, विच इज इक्वल टू 2.8 हमने मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू डाली प्लस ब्रैकेट में वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है वो 2.82 सेंटीमीटर आता है। मीन अगर आपने निकालना है, जैसे मैंने मीन का पहले भी फॉर्मूला बताया, आप एक दफ़ा लेंथ निकालिए, आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा लेंथ निकाल सकते हैं। तीनों लेंथ्स अगर आपकी एक जैसी आ रही हैं, आप तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करते हैं। एक जैसी नहीं भी आ रही, थोड़ा सा फ़र्क भी आ रहा है, तो आप 3 डिफरेंट लेंथ्स जो है आपने निकाली हैं आप उन्हें ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका मीन लेंथ जो है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि हमारी तीनों लेंथ्स एक जैसी ही आ रही हैं, तो हमने इसलिए हमारा मीन भी वही आंसर आया जो हमारा पहले आया था। सो दिस इज 2.82 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ आवर मीन लेंथ। इसी तरह हमने जो मीन डायमीटर था हमारा, वो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमीटर आपने जो कैलकुलेट किया मीन डायमीटर में भी आप D1 + D2 + D3 का फार्मूला लगा के 3 पे डिवाइड करेंगे। हमने कंसीडर किया कि हमारा तीनों दफ़ा एक ही डायमीटर है, तो इसलिए हमारा आंसर भी वही मीन डायमीटर है, 1.42 सेंटीमीटर। डायामीटर से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस का फार्मूला होता है डायामीटर जो भी हमारा मीन डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो हमारे पास रेडियस आया है 0.71 सेंटीमीटर। रेडियस निकलने के बाद हम एरिया ऑफ द सिलेंडर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 3.14 आपको पता है वो होती है, रेडियस जो है वो 0.71 है, उसका आपने स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेके 3.14 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ द सिलेंडर आपके पास आता है 1.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये दो चीज़ों को, एरिया हमेशा दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आता है, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, आपने इस तरह दो चीज़ें मल्टीप्लाई की हैं तो एरिया है, इसलिए इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, अब आपके पास एरिया भी आ गया है, लेंथ आपने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट की थी इधर से, और जो लेंथ आई थी, अब आप इस एरिया और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एरिया होता है, और मल्टीप्लाई यानी एरिया को जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एरिया जो है वो आया था 1.58, सो 2.82 को जब आप 1.58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो आ जाता है 4.45 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, क्यूब इसलिए आ रहा है क्योंकि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट बनती है।
तो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपने एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया डायमीटर से रेडियस निकालने के बाद ये फार्मूला लगा के, और फिर जब आपने लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है जो कैलकुलेट किया था आपने उसका उसको जब मल्टीप्लाई किया है अपने एरिया के साथ, तो फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट जो कैलकुलेशन थी वर्नियर कैलिपर्स की वो हमने आज डिस्कस की है कि हम वर्नियर कैलिपर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डायमीटर निकालने के लिए और लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए, और फिर हम किस तरह से उससे एरिया ऑफ द सिलेंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एट द एंड एरिया के बाद हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो भी उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। That's all for today, students. I hope आपने आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.